मैं इस भट्टे पर आई हूँ और इस भट्टे पर महिलाओं को और पुरुषों दोनों काम करते हैं, लेकिन यहाँ पर पुरुषों को ज़्यादा पैसे मिलते हैं और महिलाओं को कम मिलते हैं, ऐसा क्यों है? और चलो बात करते हैं यहाँ के महिलाओं या पुरुषों से। क्या काम करती हैं? काम खा कर ये मजदूरी करते हैं, लग जाए मजदूरी तो भट्टा में काम करते रहने 250 रुपया मिला था और यही काम का आदमी का तो हल्के देते हैं, लेडीन का तो 250 देते, 300 पूरे नहीं मिले, मन इनका देते 300-350। अब वो कचहरी वाले भाई झूठी बोला था, जान तो कहते 350 दे देने, वो तो कम नहीं तो कहते 400 दे देने। और ये सबसे ज्यादा औरतन का काम है, भीतर कोल में घुस के लीपा पोता करो सब। कितने बजे जाती हो अपना? जाते रहे सवे 7-8 बजे, 6 बजे तो उन ढीले थे रहो। और मतलब और कितनी दूर है यहाँ से? हम यहाँ से तो 2-3 किलोमीटर तो पड़ता है। पैदल जाती है? हाँ पैदल सीधे जाते हैं, नहीं कुछ सवारी साधन हो कुछ कुछ नहीं। और 250 में आपके घर का खर्चा चल जाता है? कहाँ चले, ना चले तो मजबूरी है, फिर बैठे हैं ना भाई तो चला 250 मिल रहे हैं, कुछ तो साग सब्जी तो हुई पे करी। एक बार में तुम्हें मालिक थे या मुनीम से बात करी है? मुनीम से कहो रहा था, चलो अगले हफ्ता में बढ़ाएंगे बढ़ाएंगे, ना पैसा बढ़ाए ना कुछ हो, पैसे ऐसा कुछ नहीं बढ़ाए। महिलाओं को कितना पैसा मिलता है? 250। तुम लोगों को? 300। महिलाओं को कम क्यों मिलता है? मिलता है तो एक आदमी के एक आदमी के मैया दो स्त्री काम करें। वेतन में लैंगिक असमानता के कारण कार्यस्थल पर पुरुषों की नेतृत्वशाली भूमिका, शिक्षा कौशल और काम करने के घंटे ज़्यादा होना मानते हैं, पर क्या इसमें सच्चाई है? क्या महिलाओं के कौशल और काम के प्रति उनके समर्पण में कमी है, या वास्तविकता इससे परे है? मैं इस भट्टे पे आज जिंदापुर के भट्टे पे आई हूँ, यहाँ पर देखा कि यहाँ पर काम को लेकर क्या क्या काम चल रहा है, इसके बारे में हम कुछ लोगों से थोड़ी चर्चा करते हैं। महिलाएं भी काम करती हैं और पुरुष को ज़्यादा पैसे मिलते हैं महिलाओं को? पुरुष को तो काम कितना, काम बराबर होता है? काम बराबर होता है, जैसे महीनावारी है उनको ज़्यादा मिलता है। और अलग अलग तो काम करती नहीं होगी महिलाएं? महिलाएं अलग काम नहीं करती हैं, जैसे महीनावारी है हम लोग तो उनको ज़्यादा मिलता है। तो आपने इसके लिए किसी से बात की, मुनीम या फिर मालिक से? भट्टी मालिक, मालिक से बात की तो उन्होंने क्या किया? हम लोग वेतन है 18,000। और महिलाओं की? महिलाएं जो कर रही हैं महीनावारी में, महिलाएं तो है नहीं ना, वो इसे कर रही हैं अपना काम खुद का, उनको कम मिलता है, उनका कम मिलता है। पुरुष मजदूरों के अनुसार क्योंकि महिलाएं रोजाना काम पर नहीं आती, इसलिए उन्हें हर दिन के हिसाब से मजदूरी दी जाती है। गांव से जाते हैं या फिर और बाहर से आते हैं? गांव से कुछ बाहर से। कितने से कितने दिनों तक होता होगा ये काम? हो जाता है 5-6 महीने तक। तो आपको कितने पैसे मिलते हैं? हमको तो पैसे कम मिलते हैं, आदमी को देता फिर भी आप 250 रुपया और महिलाओं को? और पुरुष को? पुरुष को तो 300 देते हैं। 300 और महिलाओं को 250? क्यों, ये क्यों, ऐसा क्यों होता है? काम क्या अलग अलग होता है आप लोगों का? काम तो बहुत भाई मेहनत का, पर तो सारा दिन हाथ में बंद रहते हैं। तो आप लोगों को ज़्यादा मेहनत पड़ती है फिर भी पुरुषों को? फिर को ज़्यादा मेहनत पड़ती है? पड़ती तो आदमी इनको हो गई है। तो महिलाओं को कम मजदूरी मिलती है, इसके लिए महिलाओं को ज़्यादा काम मिलता है या फिर पुरुष को? फिर को काम मिलता है ज़्यादा, काम आदमी का ज़्यादा मिलता है, महिलाओं का काम नहीं उठा पाते क्या बेटी?
सही हम कर रहे भाई, तो अल्ली हम काम करके देखिए यार ना। आप यहाँ पे क्या काम करती हैं? यही ईटा ढोते हैं। और यहाँ पे क्या महिला पुरुष दोनों बराबर काम करते हैं? हाँ, बराबर। और पैसे पैसे बराबर मिलते हैं या फिर आप लोगों को कम मिलते हैं, उन लोगों को ज़्यादा मिलते हैं? आपको कैसे मिलते हैं? हमें 1 किलो मिला। और पुरुष को? वो ही मिलते हैं दोनों को, दो मिला तो दोनों के बराबर। हाँ, और काम भी बराबर, काम भी बराबर। तो इसके बारे में मुनीम सही है? अरे अब मुनीम सही नहीं है, मुनीम ही तो सही नहीं है ना, मुनीम ना। मजदूर सोचते हैं कि जितना काम हो जाएगा उतना उनका पैसा बनेगा, इसलिए वो अपने काम में अड़े रहते हैं। कुछ ऐसी ही होती है एक ईंट भट्ठे में काम करने वाले मजदूर की कहानी, लेकिन मजदूरी का सही भुगतान ना मिलना मजदूरों को तोड़ देता है। खबर लहरिया, आपकी खबर, आपकी भाषा।